हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आयस मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा बिहार के रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आता है कि सर बिहार का रिजल्ट कब आएगा, सब वहीं रिजल्ट आया सर, NMS बिहार का रिजल्ट कब आएगा, आज आने वाला था। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबका यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और सर NMS बिहार का रिजल्ट कब आएगा, सब यही पूछ रहे हैं, रिजल्ट आया या नहीं, 11 जून का आने वाला था क्यों नहीं आया, तो सब यही पूछ रहे हैं। तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो होगा कि बिहार NMS का रिजल्ट आखिर कब आएगा, आ गया है कि नहीं आया है, कैसे चेक करेंगे, तो ये सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं जो इसका वेबसाइट है। सबसे पहले आप जाते हैं गूगल में और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, NMS रिजल्ट 2021 के बारे में लिखते हैं, ये आप लिखते हैं, सर्च करते हैं क्या होता है आपके साथ। इस तरह के कई वेबसाइट आ जाते हैं और जैसे ही इस वेबसाइट पे आप जाते हैं, इसको नीचे कीजिए, नीचे करने के बाद क्या होता है, नीचे जाइए, काफ़ी नीचे चले जाना है, आज आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। तो ये कुछ लिंक सब आता है आपके सामने, अलग अलग राज्य का, किस राज्य का कब आएगा, सारा कुछ डिटेल आता है और आप ऐसे ही चेक करते हैं और ये देख सकते हैं जो रिजल्ट के बारे में बताया है कि कौन राज्य का कब आएगा। जैसे देख सकते हैं कि गुजरात का दिया 2021 में, बिहार का मैं बता रहा हूँ, तो बिहार के बारे में बात करते हैं। ये देख सकते हैं, ये यहाँ रहा बिहार का, तो बिहार का जो रिजल्ट बता रहा है ये बता रहा है 2nd week of June 2021। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जून के दूसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट आएगा और जून का दूसरा सप्ताह बीत चुका है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और इसी सब वेबसाइट में आप चेक करते रहते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज हम बता रहे हैं आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर कि रिजल्ट आएगा और आप खुद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आया या नहीं आया। तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं कि वहाँ क्या बता रहा है। ये तो दूसरा वेबसाइट है, अदर वेबसाइट है जो बता रहा है कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो दूसरा वेबसाइट देखते हैं जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ आप खुद चेक करते हैं कि रिजल्ट आया या नहीं आया। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है SCERT और बिहार, ये आपको लिख के सर्च करना है, SCERT बिहार, ये आपको लिख करके सर्च कर देना है और आपको जो पहला वेबसाइट आएगा आपको इसको ओपन करना है। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे ही ओपन करते हैं आपको इस तरह का आ जाएगा, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। अब यहाँ पे आप आगे क्या करेंगे ये समझ में नहीं आता, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है लेकिन ये खुलता नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आता कि रिजल्ट कैसे देंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, एडवांसेड एक ऑप्शन होगा उस पर चले जाना है, ठीक है, एडवांसेड लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो फिर दूसरा लिंक आएगा अनसेफ लिखा होगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये देखिए आपके सामने ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये आ चुका है और इसी पर रिजल्ट जारी होगा और यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट जारी होगा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है, NTSC एग्ज़ाम का भी रिजल्ट यहीं पे मिलेगा, नोटिस रिगार्डिंग NTSC एंड NMS 2021 प्रोविजनल आंसर की। तो ये जब भी रिजल्ट आएगा तो इस वेबसाइट पे आएगा और यहाँ से आप खुद चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट आया या नहीं आया।
बार बार आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। जैसे ही आएगा यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा और आप उस पे टच करके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये है इसका ओरिजिनल वेबसाइट और यहाँ इस तरह से आप रिजल्ट खुद से चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आएगा यहाँ से आप चेक करते रहिए, और अगर तब भी दिक्कत आता है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो आज यही है कि अभी तक रिजल्ट बिहार का नहीं आया है, आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया है जिस पर जाकर के आप खुद चेक करते रहिए। जैसे ही आएगा आप खुद से चेक कर सकते हैं, तब भी दिक्कत आता है तो मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी खोल पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें ताकि सबको ओरिजिनल वेबसाइट के बारे में पता चले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।